हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज अभिजीत गुप्ता। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th मैथ्स। इसके पहले मैंने 5.3 एक्सरसाइज करा दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट्स बता दूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक सम का कंसेप्ट आ जाता है, सम ऑफ एपी का कंसेप्ट आ जाता है। अब इस सम ऑफ एपी क्या होती है, देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एपी लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये एपी है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 और ए कितना है 2। ठीक है, बेसिकली 2 की टेबल ही है सम ऑफ एपी। अब ये सबका सम क्या होगा? अब सम ऑफ एपी मतलब होता है कि सबका सम, इसका हमें क्या करना है, सम करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, इसको हमें सम करके बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, सिंपली सिंपल आप ऐड करोगे तो आंसर आप बता दोगे। बट हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उसी का नाम होता है सम ऑफ एपी। इसको हम एसेंट से डिनोट करते हैं, सम ऑफ एपी मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 टर्म्स हैं। तो एन कितना है, यहाँ पे 10 है। तो अब मान लो ये एंड ना होता तो एस एन लिखते, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है बट नो प्रॉब्लम, मैं बार बार इसको नोट करूंगा तो आपको इजी लगेगा ये और माइंड में आपके फीड भी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आपको कराता हूँ क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टू द आंसर, इसका इसे आपके सामने एपी लिखी हुई है 2, 7, 12, 12 ... 2, 10 टर्म्स, 10 टर्म तक हमें इसका सम निकालना है। 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5, 12 आएगा, फिर आएगा आपका 17 आएगा, है ना। इस तरीके से आपको 10 टर्म्स तक निकालना है। तो यहां से सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 - 2। ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना आता ही होगा, दिस इज 5, क्लियर। और यहां से एन की वैल्यू कितनी है, एन इज 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एस एन, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 10, यहाँ पे एस 10 लिख देंगे। ठीक है, एस 10, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, कितना आ गया ये 5, दिस इज 4, ये 9 इंटू 5 हो गया, ये कितना हो गया 5, 4 + 45। और सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज 5 × 50। ठीक है, 49। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5, 45। ठीक है, ओके, 5, 45 नहीं, ये आ जाएगा 2, 45। ठीक है,
कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें आपको? ओके, तो दिस इज द आंसर। मतलब 2 से लेके अगर इसको हम सम करते हैं, इसका अगर हम सम करते हैं, इसको सम करते हैं 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 फिर 22 ऐसे करके 10 टर्म्स तक, इसका सम कितना आएगा? 245। इजी, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ एपी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फॉर्मूला आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा फॉर्मूला है, बट यू हैव टू लर्न दिस। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ओके फाइन, ओके, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। वी हैव सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट क्या है? माइनस थर्टी सेवन, तो ए कितना हो गया? -37। डी कितना हो जाएगा? -33 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म माइनस -37, ठीक है? तो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया ये? 4। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 प्लस का 4, ठीक है, क्लियर। सो अब हमें एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 12 लिखेंगे नीचे यहाँ पे क्योंकि 12 टर्म्स है, यहाँ पे लिखेंगे 12 अपॉन टू टू इन टू ए, दिस इज -37, ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा ये? 6 कटेगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 4 7 4 -74, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 11 होगा, 11 4 जा 44। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 माइनस का, ठीक है, इसको सॉल्व करने कितना आएगा? -80। दिस इज द आंसर। सम ऑफ 12 टर्म क्या आ गया? -80। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इसमें माइंड यूज नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हो इसी तरीके से, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.6। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.1। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1। ए की वैल्यू भी दी गई है 0.6, और यहाँ पे एन कितना है? 100। यहाँ पे थोड़ा नंबर ज़्यादा हो गया, 100 नंबर तक ऐड करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला इससे ही कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, सबसे पहले आप फॉर्मूला जरूर नोट करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, ठीक है, ये हो गया 100 अपॉन 2 2 इन टू 0.6 प्लस एन 100 माइनस 1 इन टू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 50, ये हो गया 1.2, और ये हो जाएगा 9.99 × 1.1, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आंसर आएगा? 99 × 1.1, दिस इज 50, 1.2 प्लस 108.9। अब इसको हम ऐड करेंगे 1.2 में, दिस विल कम 50 × 11.1, ठीक है, और सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा? 50। आंसर कितना आएगा? 5505। आई होप दिस इज
क्लियर टू यू। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे आप 100 लिखेंगे क्योंकि 100 टर्म्स का ये सम है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ पार्ट भी बचा हुआ, ये भी कर लेते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में ए कितना है 1/15 और डी कितना आ जाएगा यहां से 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम इज 60, सो हियर इट इज, और ये 4 1/60, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। ठीक है, डी इज 1/60। ठीक है, ओके, नाउ वील यूज फॉर्मूला। अब एन की वैल्यू यहां कितनी दी गई है 11, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 11, 11 टर्म्स निकालने हैं ना, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 11/2 2 इंटू ए 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी इज कितना है 60, 1/60 कितना हो गया ये 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 60 से ये कट गया, ये 10 और ये 0 कट गया, तो कितना बचा 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे, 11/2 अब यहां से एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 15 एंड 6, दिस इज 30, ओके, दिस इज 30, तो यहां पे हो जाएगा 4 और यहां पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो 11/2 ये 9/30 हो गया, इसको अगर हम कट करेंगे तो कट हो रहा है ये, कट हो रहा है, ये कट हो गया, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो कितना बचा ये 33/20, आंसर इज 33/20, क्लियर, दिस इज द आंसर 33/20। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी। ये भी क्वेश्चन थोड़े पहले जैसे ही हैं, इसमें भी हमें सम ही फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 + 10/2 + 14 + ……… +84। अब यहाँ पे कितने टर्म्स तक निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताया ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताया इन्होंने, कितना टर्म्स तक फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे एन दिया ही नहीं किया गया है, एन की वैल्यू ही नहीं दी गई है। अब क्या करेंगे सर, देखो अगर एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो इन भाई साहब ने 84 दे दिया, 84 दे दिया। अब 84 क्या है सर, 84 इज नथिंग बट ए एन, दिस इज ए एन, ए एन की वैल्यू है, एनथ टर्म की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से हम एन निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल देते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 10 × 2, दिस इज 21/2। ठीक है, माइनस 7 कितना हो जाएगा ये डी, 21 − 14/2, दिस इज 7/2। ठीक है, कितना आ गया ये 7/2, ओके। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम ए एन वाला,
एन इज इक्वल टू 84 दिया गया है। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की कितनी है वैल्यू 7, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 7/2 इज इक्वल टू 84। यहाँ से कितना आ जाएगा एन माइनस वन 7/2 84 माइनस 7, ये कितना हो गया 77। एन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो ये कट गया 11, 11 इंटू टू आ गया एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 22 प्लस 1, एन इज 23, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी, यहां सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 23 अपॉन टू 2a, 2a कितना है 7, प्लस एन इज 23 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7/2, अभी आई थी ना, यस 7/2। नाउ ओके, सो थोड़ा सॉल्विंग करेंगे, 23/2 ये एस 23 होगा, एस 23, 23 टर्म्स आए ना, ओके 14 प्लस 22 इंटू 7/2। अब देखो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया 23/2 प्लस 14 प्लस 11 आएगा, यहाँ पे 77 हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ इट इज 23/2 इंटू दिस इज 81, नो दिस ये ऐड कर लेते हैं, ये 11, 91, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 91 अपॉन 2, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ये, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2093 अपॉन 2। इसको आप ऐसे ही रहने दो, नहीं तो आप पॉइंट में लिख लो 1046.5, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 34, ए की वैल्यू कितनी हो गई 34, अब यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 34, कितना आ गया डी की वैल्यू माइनस टू वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ए एन कितना है, ए एन इज 10, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यूज पुट करेंगे 34 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 10, एन माइनस वन, डी कितना है माइनस टू, ये कितना हो गया 10 माइनस 34, दिस इज माइनस 24, ओके, और ये माइनस टू आ जाएगा नीचे, एन माइनस वन कितना आ गया 12, एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एन की वैल्यू आ गई 13। अब आप एस एन वाला फॉर्मूला लगा के ईजिली फाइंड कर सकते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा ये 13/2, 2 इंटू ए इज 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2, वैल्यू पुट करेंगे जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 68 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस 24। नाउ ये कितना हो जाएगा 13/2, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4,
13 into 22. So it will come 286. ठीक है, तो S 13 कितना आ गया, 286. आई होप इट इज क्लियर टू यू. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके आपसे के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ही लोग ट्राई करना. A की वैल्यू -5 है और यहाँ के D की वैल्यू आप निकाल सकते हो. ये आ जाएगी -8 + 5, दिस इज -3. D की वैल्यू कितनी आ गई, -3. और ये जो दिया गया है ये AN दिया गया है. AN कितना है, -230. यहाँ से आप N निकालना, ठीक है, और SN वाला फॉर्मूला लगा देना, इजीली हो जाएगा. कर लोगे ना पक्का? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए. थैंक यू एवरीवन.